हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो फेमस टाइगर रिजर्व्स हैं भारत के, और उनका सेंसस यानी उनकी पॉपुलेशन, टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। हर चार साल में इनकी काउंटिंग होती है, गिनती होती है, ठीक है। तो लेटेस्ट जो हुई थी 2014 में हुई थी, इसके बाद अब 2018 में ये होगी। तो इससे पहले जो हुई थी वो 2006 में हुई थी, फिर 2000 आपकी 10 में हुई थी, उसके बाद फिर 2014 में हुई थी, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कौन सा स्टेट टाइगर की पॉपुलेशन में आगे है, कौन सा आपका जो टाइगर रिजर्व है वो सबसे बड़ा है, और जनरली काफ़ी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, और ये पूरा अपडेटेड डेटा आपका होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे मैप में जैसा कि देख पा रहे हैं, मैप में टोटल अगर काउंटिंग करी जाए तो टोटल 50 टाइगर रिजर्व हैं ऑल ओवर इंडिया में। और अभी अगर मार्च 2017 की अगर हम बात करते हैं, मार्च 2007 इसके करंट अफेयर की बात करते हैं, तो दो और इसमें एड होने वाले हैं। हालांकि ये जो मैप है ये थोड़ा पुराना है, बाकी आप इसमें देख सकते हैं सारे जो हैं आपके इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट कुछ हम पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए जो टाइगर रिजर्व हैं ये होते क्या है एक्चुअल में, ये देखिए, प्रोटेक्टेड एरियाज एस्टेब्लिश अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर, मतलब यहाँ पे टाइगर्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्टेड एरियाज मतलब इन एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है ताकि जो टाइगर्स हैं, चूंकि ये विलुप्त प्रजातियां होने वाली हैं तो ये विलुप्त ना हो जाएं, ठीक है। इनकी कई प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, तो कई ऐसी प्रजातियां और बची हैं, तो उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए ये कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं जो नेशनल पार्क होते हैं, जनरली उन्हीं में ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, ठीक है। और क्योंकि टाइगर आपका नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है, ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हमारा पैंथेरा टिग्रिस। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करा गया था 1973 में, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो 2006 के बाद से, 2006 के बाद से ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका देखरेख जो किया जाता है वो करता है NTCA, मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करता है, इनकी देखरेख करता है, और ये बनाया गया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं टाइगर रिजर्व्स, ये 50 टाइगर रिजर्व अभी हैं, कब तक, 20 दिसंबर 2016 तक का ये डेटा है, 20 दिसंबर 2016 तक का ये डेटा है, 50 टाइगर रिजर्व अभी टोटल इसमें होंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क था जो प्रोजेक्ट टाइगर में आया था, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1 अप्रैल 1973 को। तो कॉर्बेट वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया टू बी कवर्ड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। इसके अलावा जो हमारा नागार्जुन सागर श्रीसेलम जो है टाइगर रिजर्व है वो लार्जेस्ट, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एरिया की, एरिया वाइज करीब 3296 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, सबसे बड़ा जो है वो यही है। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो बोर टाइगर रिजर्व है, BOR बोर टाइगर रिजर्व है, ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए जो मानस टाइगर रिजर्व है आसाम का, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उड़ीसा का, सुंदरबन टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल का, ये सारे बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व भी हैं, बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व हैं, ये तीन आपके टाइगर रिजर्व होने के साथ साथ बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा जो आपका मानस टाइगर रिजर्व है आसाम का, मानस टाइगर रिजर्व आपका इकलौता ऐसा टाइगर रिजर्व है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ पे हम सिर्फ टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, हालांकि कुछ और नेशनल पार्क भी हैं जो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टाइगर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं। तो मानस टाइगर रिजर्व एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा अगर 2002 और 2003 की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश जो था उसमें सबसे ज्यादा टाइगर हुआ करते थे, हालांकि अब मध्य प्रदेश का इसमें नंबर नहीं है, ठीक है। और एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश से जो आपका अलग हुआ है तेलंगाना, ठीक है, तो उसमें आता है आपका नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व, ये अब दो स्टेट्स में डिवाइड हुआ है, जिसमें जो तेलंगाना वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं अमराबाद टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व, और इंडिया का 45वां टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है। और दो अब नए टाइगर रिजर्व, जैसा कि मैंने आपको बताया था मार्च 2017 का ये करंट अफेयर है, इसमें
नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुरई रेंज, ये दो हैं आपके जो अब जाके आपके उत्तराखंड में ऐड हो जाएंगे। अभी उत्तराखंड में दो हैं, इसके इनके ऐड होने के बाद टोटल हो जाएंगे कितने, चार टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में हो जाएंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है 6, और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में भी कितने हैं 6, टोटल 6 और 6, दोनों जगह पर ही 6-6 टाइगर रिजर्व आपके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइगर रिजर्व की। देखिए आसाम है, तो आसाम में जो टाइगर रिजर्व है उनमें देखिए आपका काजीरंगा, मानस, नामेरी और औरंग, ये चार टाइगर रिजर्व आपके हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी और औरंग। आप चाहें तो ये कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं और इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज इंटरनेट पर भी आपको काफी इनसे रिलेटेड डेटा मिल जाएगा, लेकिन जो मैं डेटा दे रहा हूं ये अपडेटेड डेटा आपका होगा। नेक्स्ट आपका अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में तीन आते हैं, एक आता है आपका नमदफा टाइगर रिजर्व, एक आता है आपका पुखुई टाइगर रिजर्व और एक आता है कमलांग टाइगर रिजर्व। कमलांग टाइगर रिजर्व जो है ये लेटेस्ट टाइगर रिजर्व होगा अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट आपका आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। इसके अलावा जो बिहार है इसमें है वाल्मीकि नेशनल पार्क, यहां पर सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़, अचानक कुमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदांती एंड सीता नदी टाइगर रिजर्व। ये इनमें से मैं आपको बता दूं, अभी हाल में एक व्यापम का शायद जहां तक मुझे याद है एमपीएसआई का पेपर हुआ था या फिर इससे पहले कोई पेपर हुआ था, मतलब काफी दिन वो एग्जाम चला था, उसमें डेली हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे थे, दो क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से पूछे जाते हैं। अब नेशनल पार्क के जनरली नहीं पूछते हैं, नेशनल पार्क के नाम से आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन वो टाइगर रिजर्व ही थे ज्यादातर उनमें से, यही थे, जैसे एक अचानक कुमार भी पूछा गया था, ये सीता नदी टाइगर रिजर्व भी पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा झारखंड है, तो झारखंड में है पालामऊ टाइगर रिजर्व, पालामऊ टाइगर रिजर्व। फिर आपका कर्नाटका, तो कर्नाटका में टोटल कितने हैं, 5 टाइगर रिजर्व हैं, टोटल 5 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, नागर होल टाइगर रिजर्व है, भद्र टाइगर रिजर्व है, अंशी दंदेली, ये उल्टा भी हो सकता है, दंदेली अंशी इस तरीके से भी इसका नाम लिया जा सकता है, ये टाइगर रिजर्व हो गया आपका। इसके अलावा बिलीगिरी रंगथा, ये भी आपका ये टेम्पल है एक्चुअली, और इसी में अंदर इसी के अंदर ही आता है, ये टेम्पल है पूरा, ये हिल्स हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये आपका टाइगर जो रिजर्व है उसी का ही नाम है। नेक्स्ट आपका केरला, तो केरला का है पेरियर टाइगर रिजर्व, ये भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा परम बिकुलम टाइगर रिजर्व भी आपका केरला में, तो ये दो आपके हो जाएंगे केरला के। नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व है उनमें बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच और संजय टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, ये आपके टोटल हो जाएंगे टाइगर रिजर्व 6। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का जो है वो है मेलघाट टाइगर रिजर्व, पूछा जा चुका है, पेंच टाइगर रिजर्व हो गया, तदोबा अंधरी टाइगर प्रोजेक्ट हो जाएगा आपका, सह्याद्री टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ये भी पूछा जा चुका है, और उसके बाद नगजीरा नबेगांव टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व, ये टोटल 6 यहां पर भी महाराष्ट्र में भी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका मिजोरम, तो मिजोरम में दंपा टाइगर रिजर्व है, उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व और सिमीपाल टाइगर रिजर्व, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, व्यापम के एग्जाम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्पेशली, व्यापम के एग्जाम में, बाकी जो इंडिया लेवल पे जो एग्जाम होते हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंडिया लेवल पे तो किसी भी स्टेट का पूछ सकते हैं। जहां तक मुझे याद है कांस्टेबल का कोई एग्जाम था, कांस्टेबल के एग्जाम में ही ये शायद ज्यादातर टाइगर रिजर्व पूछे गए थे, मुझे याद है रोज एक या दो क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे थे। नेक्स्ट आपका राजस्थान, तो राजस्थान का है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये तीन आपके राजस्थान के हो जाएंगे। फिर आपका तमिलनाडु, तो टोटल 4 यहां पर है, एक है अनामलाई टाइगर रिजर्व, एक है कलक्कड़ मुंदनतुरई टाइगर रिजर्व, इसके बाद मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व और है आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तो ये 4 हो जाएंगे आपके तमिलनाडु के। फिर आपका तेलंगाना, तो तेलंगाना में 2 हैं कबल टाइगर रिजर्व और एक आपका नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो इसका हिस्सा आया, इसको आप किस नाम से जानते हैं, अमरावत टाइगर रिजर्व के नाम से इसको जाना जाता, तो एक ये हो जाएगा आपका और एक ये हो जाएगा आपका। फिर आपका उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के हैं आपके टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व,
पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है जो आपका उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उसका ही ये पार्ट है। बफर ऑफ कॉर्बेट मतलब छोटा छोटा सा हिस्सा ये उसका है अमनगढ़। तो ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है उसका ये एक छोटा सा हिस्सा है। तो एक हो जाएगा फिर आपका उत्तराखंड जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, पहला टाइगर रिजर्व है जो भारत का। इसके अलावा एक राजा जी नेशनल पार्क, ये भी आपका एक टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का। तो ये दो हो गए, बाकी दो मैंने आपको बताए हैं। तो उत्तराखंड में अब टोटल जाके कितने हो जाएंगे, चार टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। इसके अलावा है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के जो टाइगर रिजर्व है उनमें बक्सा टाइगर या बुक्सा जिस नाम से भी आपको देखना हो इसको, इसके अलावा सुंदरबन टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो सुंदरबन के बारे में तो सबको पता ही होगा, गंगा नदी जो सुंदरबन डेल्टा जो बनाती है। ठीक है, तो यहीं से वो इसी के आसपास ही वो होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइगर की सेंसस की, यानी कि पॉपुलेशन की, यानी कि जो गणना की जाती है, यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। तो सेंसस में देखिए, ये हर चार साल में ये होती है। 2006 में हुई थी, उसके बाद 2010 में हुई थी, फिर 2014 में हुई थी, अब 2018 में इसकी गणना होगी। ठीक है, तो अगर टाइगर के स्टेटस की बात करते हैं हम 2014 की, तो 18 स्टेट हैं इंडिया में विद टाइगर पॉपुलेशन, जहां पे टाइगर की पॉपुलेशन है। ठीक है, और इनमें जो इसकी जो पॉपुलेशन करी जाती है, तो जो पूरा एरिया होता है भारत का उसको पांच हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, फाइव टाइगर लैंडस्केप कॉम्प्लेक्सेस। इनमें एक जैसे आपका शिवालिक हिल और जो गंगेटिक प्लेन्स, गंगा के जो मैदान है, शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो हो जाएगा। एक सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप एंड ईस्टर्न घाट हो जाएगा, एक वेस्टर्न घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, ये पूर्वी घाट हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा जो आपके सेंट्रल इंडियन मैदान मतलब भारतीय मैदान, कौन से भारतीय मैदान, मध्य भारतीय मैदान, इसके अलावा नॉर्दर्न ईस्टर्न हिल हो जाएंगी। एक हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र फ्लट पेन प्लेन एंड सुंदरवन। ये पांच टोटल पांच इन एरियाज में इनको डिवाइड करके इनकी पॉपुलेशन करी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि अगर हम 2014 की टाइगर सेंसस देखें तो सबसे ज्यादा जो टाइगर हैं वो कहाँ पाए गए। कई बार 2014 के बाद से कई बार कई एग्जाम में करंट अफेयर के नाम पे क्वेश्चन पूछा गया है, और ये है आपके कर्नाटका में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं, दूसरे नंबर पे हैं आपके उत्तराखंड में, और तीसरे नंबर पे पहुंच गया है मध्य प्रदेश। और जैसा मैंने आपको बताया था 2002-2003 में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे था, लेकिन अब ये पहले नंबर पे नहीं, अब कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। ठीक है, इसके अलावा ये जो रीजन देखें, अगर हम जिसमें मुदुमलाई, बांदीपुर, नगर होल, बयानद कॉम्प्लेक्स जो है, ये विश्व का सिंगल लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन मतलब होल्ड करते हैं। ठीक है, और इसमें टोटल कितने टाइगर है, 570 टाइगर इसमें है, मतलब ये विश्व में पहले नंबर पर है। यहाँ पे हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इनके सेंसस की बात करनी है तो ये देख लीजिए आप, सेंसस का पूरा ये डेटा है, हालांकि ये डेटा जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश का ये डेटा आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो 2006 में देखिए 300, 2010 में ये 257 हो गए थे, फिर अभी फिलहाल 308 है, और थोड़ा बहुत ये कम हो गए अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ पर हैं और सबसे कम कहाँ पर हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप किसी स्टेट के हैं तो उस स्टेट का आप जो डेटा है वो देख सकते हैं, उस स्टेट का जो डेटा है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो डेटा अपने को पता होना जरूरी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस पर भी दोस्तों ज्यादा से ज्यादा व्यूज प्लीज आप शेयर करेंगे तो व्यूज आएंगे, क्योंकि बहुत कम व्यूज अभी चैनल पे आ रहे हैं। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।